किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद से मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का रुतबा कम होने लगा है। हालत ऐसी है कि जिले में 4 सीट गंवाने के बाद भी बीजेपी के नेता अपने बयानों से आग उगल रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को भी धमकी मिल चुकी है, कई नेताओं पर मुकदमे हो चुके हैं, कुछ जेल में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मुजफ्फरनगर में किस तरह ऊपर नीचे हो रहा है भारतीय किसान यूनियन का रुतबा। पिछले लगभग 35 सालों से भारतीय किसान यूनियन किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। इन सब में कभी उसके सितारे बुलंदी पर रहे तो कभी गर्दिश में, कभी सरकार किसानों के सामने पानी भरती नजर आई तो कभी किसान अपने हक के लिए जूझते दिखे। 1 मार्च 1987 को शामली के खेड़ी कर्मो बिजली घर पर हुए आंदोलन में सिंधवालका के अकबर और लिसाड़ के जयपाल ने शहादत दी। तब से किसानों के हक के लिए लड़ने वाला यह संगठन सांप्रदायिक एकता की मिसाल बना। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर करीब 387 दिन धरना देकर BKU ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। अंत में सरकार झुकी और किसानों की मांग को मान लिया। हालांकि इसके बाद BKU की हालत बेहद खराब हो गई। सबसे पहले विधानसभा चुनाव में हार के बाद 20 मार्च को पूर्व विधायक उमेश मलिक ने बुढ़ाना में एक पंचायत बुलाई थी, जिसमें उन्होंने BKU का नाम लिए बगैर खुलेआम हरी टोपी वालों को चेतावनी दी। इसके बाद 27 मार्च को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के ड्राइवर ने सिविल लाइन थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी अज्ञात ने राकेश टिकैत को फोन पर जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज भी की। मतलब ये कि किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद तेजी से हालात बदलते गए। इन सब के बाद पुलिस ने मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में तोड़फोड़ के आरोप में BKU के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस मामले में थाना सिविल लाइन के कांस्टेबल ने BKU के 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इन सभी मामलों से साफ होता है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों के देश के सबसे बड़े संगठन की उसके गढ़ में लोकप्रियता कम हुई और मुश्किलें बढ़ गईं। आने वाले दिनों में यह मुश्किल और ज्यादा कम होने के बजाय बढ़ने के ही आसार नजर आ रहे हैं।